बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में चंदौसी में एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ नेता गिरीश चंद्र के अलावा कई अन्य दिग्गजों ने शिरकत की। इस मौके पर बसपा नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मंच से वक्ताओं ने कहा कि अब वक्त आ गया है प्रदेश में बदलाव लाने के लिए। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं और कार्य करें। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, कार्यकर्ताओं को अभी से कमर कस लेनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की उपलब्धियों का बखान जन जन तक करना होगा, विरोधी पार्टियों के बहकावे में नहीं आना होगा। भाजपा और कांग्रेस ने देश की जनता को सिर्फ छलने का काम किया है। भाजपा ने एक दूसरे को बांटकर अपना हित साधा है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार के बीच सिमट कर रह गई है। इस बार संभल की चारों विधानसभा सीटों को जिताकर बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करना है। इस मौके पर दर्जनों बसपा कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की और पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। चंदौसी से प्रत्याशी घोषित किया है तो क्या कहेंगे सबसे पहले? मैं पहले तो आदरणीय बहन जी का और अपने सीनियर लीडरान का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पे भरोसा किया है और जिस उम्मीद के साथ यहाँ भेजा है, मैं पूरी मेहनत करूँगा। और यहाँ के जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के जितने समर्थक थे आज यहाँ सब पहुँचे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज के इस पहले कार्यक्रम में मेरा बहुत मनोबल बढ़ाया है। और आज ये सबको देखने को मिला कि कोने कोने से विधानसभा चंदौसी के कोई गाँव ऐसा नहीं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ से यहाँ का प्रतिनिधित्व आकर लोगों ने नहीं किया। अब किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? जनता के मुद्दे तमाम मुद्दे हैं आज की सरकारों को देखते हुए, जो सरकारों के काम होते हैं वो मुद्दे हमारे रहेंगे। सुरक्षा का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, विकास का मुद्दा, समग्र विकास का, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क पानी, सभी मुद्दों पर हर बार चुनाव में मुद्दे बाजे कर जाते हैं, लेकिन चंदौसी की सड़कों का हालात देख के ऐसा नहीं। बहुजन समाज पार्टी के नेता ने जब जब भी सरकार चलाई है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर विकास करने का काम किया है। सर्व समाज को और सब धर्मों को साथ लेकर आदरणीय बहन जी चली है। विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पानी की जो व्यवस्था आज खराब है, कानून व्यवस्था खराब है, सबसे पहले हमारी सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है और इसी प्राथमिकता पे हम भी काम करेंगे। बीजेपी कहती है हमने पूरे वादे कर दिए। वादे कहाँ करें, 15 लाख रुपए दिए, 2 लाख नौकरी दी, कानून व्यवस्था का हाल आप देख रहे हैं, शिक्षा इतनी महंगी कर दी जो आदरणीय बहन जी के समय में जीरो बैलेंस में बच्चों ने बीटेक, एमबीबीएस, एलएलबी और बीएड कर रोजगार प्राप्त किया था, आज आप देख रहे हैं कि दुनिया की शिक्षा जो गरीब का बच्चा उसे हासिल नहीं कर सकता। वर्तमान सांसद हैं तो आपका यहाँ का अनुभव कैसा रहा? यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ की जनता का अपने दिल की गहराई से बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मेरी राजनीतिक शुरुआत में यहाँ की जनता ने मेरा सहयोग किया और जिस भरोसे उम्मीद के साथ मेरा सहयोग किया, मैंने खरा उतरने का पूरा प्रयास किया।